तो ये 25 ml पानी हो गया इसके अंदर, के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है। तो मैं, तो अभी जो गलती मैंने की वो आप बिल्कुल मत करना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फनबॉक्सिंग में। और फनबॉक्सिंग क्योंकि फन भी जरूरी है, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक इलेक्ट्रिक एग बॉयलर की, और ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, और एक किस ब्रांड का है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो पैकेजिंग आई है अमेजोन की तरफ से, ये कुछ ऐसी आधी खुली हुई आई है, ये ओपन है, जिसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। और ये अमेजोन बेसिक कंपनी का, पर पता नहीं अमेजोन ने अपने नाम के पीछे बेसिक क्यों लगाया, पर कोई बात नहीं, कंपनी अमेजोन बेसिक किया तो अमेजोन बेसिक ही सही, हमें उससे क्या, बस प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो कोई मेरे हाथ में दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है इसका, बहुत ही छोटा और पोर्टेबल है, और ऊपर लिखा हुआ अमेजोन बेसिक्स बड़ा बड़ा, ब्लैक एंड वाइट इसका बॉक्स है, जो कि इसके बॉक्स ज़्यादातर अमेजोन के रहते ही है। और इधर दिया हुआ है जनवरी 2024 की पैकेजिंग, और रेट है 650 रुपये, पर 650 रुपये का बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही लो बजट और ही पॉकेट फ्रेंडली है, ये सिर्फ 350 रुपये में मिला मेरे को अमेजोन से। तो 350 रुपये का था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मंगा के देखती है कि सच में वर्किंग है नहीं, क्योंकि अगर 350 रुपये में ये वर्क कर रहा है अच्छे से तो ये काफ़ी बढ़िया डील होने वाली है। तो फटाफट से पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये पूरा पहले से ही फिट होके भेजा इन्होंने, तो ये बहुत ही छोटा सा, आपको मैं हाथ में निकाल के दिखाता हूँ इसको, एक मिनट। तो ये इसका साइज, ये बिल्कुल मेरे हाथ जितना ही है। तो ये है इसके ऊपर का ढक्कन जिसको हमें हटा लेना है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, और ये एक मेजरिंग कप, इधर आपको अगर दिखाई दे रहा होगा इसमें ये सारे मेजरमेंट लिखे हुए हैं, 10, 20, 30, 40, 50 मेजरिंग कर सकते हो पानी को इसमें डालने के लिए। और इधर दिए हुए ऊपर ये, तो मुझे लगा था इसके अंदर 6 पॉकेट है, लेकिन इसके अंदर हम 7 अंडे एक साथ बॉईल कर सकते हैं। तो ये बीच में अंडों का बेस जिसके ऊपर हमें अंडे सेट करने हैं, इसको भी हम साइड में कर लेते हैं। और ये है वो स्टेनलेस स्टील की हीट प्लेट जिसके अंदर हमें पानी डालना है इसके अंदर। तो ये जो इसकी प्लेट है ये निकलती नहीं है, ये बिल्कुल ही फिक्स है इसी के अंदर, तो इसको साफ़ करने में बहुत आसानी होने वाली है। ये सिंगल टच है, बस इसके अंदर एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का, इसके अंदर भी लाइट जल जाएगी तो आपको पता लग जाएगा पावर आ चुकी है। ये ऑटो कट ऑफ भी है, यानी कि अगर अंडे बॉयल हो जाएंगे तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। और साथ ही में इतना छोटा सा है बिल्कुल, आप देखो इसका साइज, तो आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, खासकर ट्रैवलिंग के टाइम में, क्योंकि घर के अंदर तो अंडे भगोने वगैरह में बॉयल कर सकते हैं, लेकिन ये काम जब आएगा, या तो आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो, या फिर आप ट्रेन में या कहीं भी सफ़र कर रहे हो, तो आप ट्रेन में पावर का प्लग तो होता ही है, तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा पानी और सिर्फ अपने अंडे रखने हैं, और आपके अंडे बॉयल हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसके अंदर 3 एग बॉइलिंग मोड है, लेकिन मोड आप इसके यूज़ कैसे करोगे, क्योंकि इसके अंदर एक ही बटन है सिर्फ ऑन ऑफ का। तो अगर आपके अंडे को सेमी बॉयल करना है, या फिर पूरा हार्ड करना है, या थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रखना है, तो आप उसको चेंज कैसे करोगे, तो इसका एक तरीका है। क्या बात कर रहे हैं? इसके अंदर जो ट्रे दी हुई है, इसके अंदर आप मेजरिंग कप से मेजर करके पानी डाल सकते हो। तो अगर आप 25 ml पानी इसके अंदर डाल के और इसके अंदर अंडों को बॉयल करोगे, तो वो अंडे इसके अंदर जो बॉयल होंगे वो रहेंगे थोड़े लिक्विड फॉर्म में, यानी कि जो अंडों का सेंटर है, जो जर्दी होती है, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगी। लेकिन अगर आप इसी ट्रे के अंदर 50 ml पानी डालोगे और फिर से अंडे बॉयल करोगे, तो फिर अंडे मीडियम बॉयल हो जाएंगे, यानी कि जो उसका सेंटर पार्ट है वो थोड़ा लिक्विड रहेगा और थोड़ा हार्ड रहेगा। लेकिन अगर आपको अंडे पूरी तरह से बॉयल करने हैं, पूरे हार्ड करने हैं, तो इसके अंदर आपको 75 ml पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद आपके अंडे फुल्ली बॉयल हो जाएंगे, फुल हार्ड हो जाएंगे। तो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म तो मुझे पसंद नहीं है, और ज़्यादा हार्ड करने से वो गले में अटक जाता है, तो मैं मीडियम वाले खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड हो और थोड़ा सा हार्ड हो। लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके अंदर आपको तीनों फॉर्म में अंडे बॉयल करके दिखाऊंगा, हार्ड भी, मीडियम भी, और लिक्विड फॉर्म में भी। तो चलो फटाफट से पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो ये मैं ले आया हूँ नॉर्मल पानी घर का, और इसके अंदर सेम मेजरमेंट दी हुई है, 25 ml, 50 ml और 75 ml, मैं सेम वो यूज़ करने वाला हूँ। मैं अपने दिमाग के हिसाब से कुछ भी पानी को कम ज़्यादा नहीं करने वाला, ताकि हमें पता लग जाए कि जो इसमें मेजरमेंट दी हुई है उसके हिसाब से ठीक से बॉयल हो भी रही है या नहीं। तो ये हमारे हंसते हुए अंडे, तो देखते हैं अब कौन से अंडे की बारी है, क्योंकि मैं 6 अंडे पूरे लाया था, लेकिन एक अंडा मेरा टूट गया, तो इस वाले अंडे को हम बॉयल कर देखते हैं थोड़ा लिक्विड फॉर्म में। तो पहले इसके अंदर हम पानी डाल लेते हैं 25 ml, तो इस कप के अंदर यहाँ तक है 25 ml, तो ये 25 ml पानी हो गया इसके अंदर, इसको हम स्ट्रे में डाल देते हैं।
मुझे तो काफ़ी कम ही लग रहा है, पर इसमें 25 ml लिखा है तो हम 25 ml ही डालेंगे। इसको रखने के बाद हम इस वाले अंडे को करके देखते हैं बॉईल, ऊपर से रख देते हैं इस ढक्कन को। तो मैंने यहाँ पे टाइमर को भी ऑन कर दिया है, उसके बटन को, तो इससे हमें ये अंदाज हो जाएगा कि ये एग को कितनी जल्दी बॉईल कर देता है और कितने टाइम के अंदर अंदर इस पूरे के अंदर स्टीम तो बननी शुरू हो गई है बहुत ही जल्दी। और मैं अंदर छेद में से देख पा रहा हूँ पानी भी बॉईल हो रहा है, पर पानी तो बहुत थोड़ा डाला है हमने। अब देखते हैं कैसे काम करता है। तो गाइस मुझे इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, तो मैं शायद ये भी ऑन है, पर मैं इसको रोक के देखता हूँ उसके अंदर कुछ तो हुआ है। टाइम हुआ है 3.5 मिनट और मैं इसके स्विच को ऑफ कर देता हूँ। ये ऊपर का थोड़ा गर्म तो हो गया है, लेकिन ये प्लास्टिक है, पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि ये पिघल गया है बिल्कुल, ये पूरा अभी भी हार्ड है। तो इसको अलग करते हैं। दोस्तों ये तो शायद अंडे ने बच्चा दे दिया। ये तो टूट के बाहर निकल आया, समझ में नहीं आया ऐसा हुआ क्यों, ये अंडे के अंदर से टूट के बाहर निकल गया है। बॉयल पूरा उसी फॉर्म में हुआ है जिस फॉर्म में इसको होना चाहिए था, लेकिन ये बाहर निकलने का कारण मेरे समझ में नहीं आया। हो सकता है इसके अंदर थोड़ा पहले से क्रैक हो अंडे के अंदर। तो मैंने सेम फिर से इसमें 25 ml पानी डाल दिया है और एक और नया और हेल्दी अंडा रखा आपकी बार इसके अंदर, जो इसमें बिल्कुल भी कोई भी क्रैक नहीं है। तो अगर ये अंडा भी ऐसे फूट जाता था, समझ लो कि ये एग बॉयलर किसी भी काम का नहीं है, ये सारे अंडे से फोड़ देगा तो फिर अंडे बॉयल कैसे होंगे। तो हो सकता है उस वाले अंडे के अंदर कोई पहले से क्रैक हो, तो इस वाले अंडे को मैंने अच्छे से चेक कर लिया और मैंने फिर इसके अंदर बॉयल करने के लिए रखा हुआ है इसके अंदर। तो अगर ये इस अंडे को फोड़ देता है तो समझ लो फिर ये ख़राब है, ये अंडे को ढंग से बॉयल नहीं कर पाया, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग वाली स्टेज है जिसमें हम बॉयल कर रहे हैं। इसके बाद मीडियम और फिर हाई भी है, इसमें ये सुपर हार्ड हो जाएगा अंडे का जो है सेंटर। तो देखते हैं इस अंडे के साथ क्या होता है। पूरे के अंदर स्टीम तो पूरी जम गई है मुझे लग रहा है, अगर इसके अंदर एग बॉयल नहीं होंगे तो इसके अंदर हम इडली पका सकते हैं इतनी स्टीम के अंदर, या फिर मोमोज। तो जैसा मैंने कहा था, जिसका डर था वही हुआ, ये अंडा भी फूट गया, आपको इधर से दिखाई दे रहा होगा ये अंडा ही फूट गया। मैं अभी आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों ये दूसरा अंडा था जो मैंने इसके अंदर बॉयल किया था और ये भी फूट गया है। इसकी मेन बात ये है कि ये अमेजोन बेसिक का हो या किसी कंपनी का हो, ये ठीक से अंडे बॉयल नहीं कर रहा, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग स्टेज थी, सिर्फ 25 ml पानी के साथ मैं इसको बॉयल कर रहा था। ये जब भी इसने दूसरा अंडा जो इसने फोड़ा है, तो अभी जो गलती मैंने की वो आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिर्फ पानी डाला और उसके ऊपर स्टैंड रख के एक अंडा रख के और मैं इसको ऐसे ही बॉयल करने लगा, उससे हुआ ये कि अंडे के अंदर काफ़ी प्रेशर बन गया और वो फट गया बार बार। तो इसका एक तरीका है इसको यूज़ करने का, मैंने वो अभी चीज़ ध्यान दी कि ये जो मेजरमेंट कप है इसके नीचे एक सुई बनी हुई है, मतलब प्लास्टिक की एक नोक है, बहुत नोकीली नोक। तो इससे हमें करना क्या है, इससे हमें अपने एग के जो ऊपर है टॉप पे एक छेद करना है, ताकि इसको बॉयल होते वक्त वो फटे ना, उसके अंदर गैस पहले ही निकल जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, नहीं तो ये अंडे इसमें जैसे रखोगे वो फट जाएंगे अपने आप और सारे में इसमें अंडा अंडा हो जाएगा। तो अब मैं इस वाले अंडे को बॉयल कर देता हूँ जो ये दांत दिखा रहा है, तो इसको हम करेंगे सॉफ्ट बॉयल, यानी कि इसके अंदर का जो जर्दी होती है वो सॉफ्ट रहेगी बिल्कुल। तो पहले इसके अंदर छेद कर लेते हैं ऊपर से ऐसे, तो भाई इसके अंदर छेद हो गया आराम से और कहीं से अंडा टूटा भी नहीं। तो इसको रख देते हैं हम सेंटर, तो इस मेजरमेंट कप के हिसाब से इसके अंदर हम डालते हैं अब 25 ml पानी। ये हो गया 25 ml पानी, तो इसको हम डाल देंगे इस ट्रे के अंदर, ये डल गया। और अब इसको हम कर देंगे कवर इसके ऊपर से और इसके बटन को देते हैं प्रेस। तो अब फूटने का तो कोई चांस बनता ही नहीं, क्योंकि हमने इसमें पहले एक छेद कर दिया है। तो अब देखते हैं बॉयल कैसा होता है, और अभी बचे हमारे पास 2 अंडे और, जिसके अंदर हम एक मीडियम करेंगे बॉयल और एक करेंगे हार्ड बॉयल। बस जिस काम के लिए आया है अंडों को बॉयल करने के लिए, बस वो काम अच्छे से कर दे फिर तो ये ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप,
तो आप सबने देखा भी अभी ये ऑटो कट ऑफ हो चुका है, तो अब देखते हैं इसको ओपन करके। तो दोस्तों हुआ वही सब जो पहले हो रहा था, पहले ये अंडा अपने आप फट रहा था और इस बार हमने इसके अंदर छेद करके इसको फटने का रास्ता दे दिया। तो हुआ वही जहाँ पे हमने होल किया था वहाँ से पूरा जो इसके अंदर का सब कुछ बाहर निकल चुका है गिर के। तो मैं सच बताऊँ, पहले आपको इसको पास दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। तो समझने वाली बात ये है कि सबसे मुश्किल काम तो सबसे पहले वो ये है कि इसके अंदर इससे छेद करना, क्योंकि छेद करने में पूरी ताकत लगाई जा रही है और ये पूरा अंडा हाथ में भी टूट सकता है इसमें छेद करने की वजह से। दूसरा, पहले ये डायरेक्ट फट रहा था, अब जहाँ पे मैंने छेद किया है ऊपर वहीं से सारा इसके अंदर जो स्टफिंग है वो बाहर निकल चुकी है और बाहर आके जम गई है ऐसी। तो भाई ऐसे बॉयल अंडे मुझे तो नहीं चाहिए। तो ये बॉयलर को मैं 5 में से दूंगा सिर्फ 1 स्टार, वो भी 1 स्टार इसलिए कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और ये जल्दी हीट कर रहा है, पर क्योंकि ये एक एग बॉयलर है और ये एग बॉयल ढंग से नहीं कर पा रहा। तो भाई ये किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल यूज़लेस है, ये मुझे तो किसी काम का लगा नहीं, नीचे भी सारा कुछ निकला हुआ है इसके। तो ये बिल्कुल पैसे वेस्ट करने वाली चीज़ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई इससे अच्छा एग बॉयलर लेकर आऊँ जो सच में अंडों को बॉयल करे, ना कि उनको फोड़ दे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे जेन्युइन रिव्यू आपको पसंद आए हो, तो आपके थोड़ी सी भी काम आई हो अगर ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।